मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनपद में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिया कि जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं उसको समय से गुणवत्ता युक्त पूर्ण कराया जाए तथा जिलाधिकारी प्रत्येक 15 दिनों में निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करते रहें तथा प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी टीम बनाकर गुणवत्ता की निगरानी भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण कार्य लंबित ना रहे, इसके लिए जो भी कठिनाई आती है तो शासन को अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिले, इसके लिए योजना बनाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान जनपद में बन रहे इंटर कॉलेजों, स्टेडियम, ड्रेनेज सिस्टम, राप्ती नदी पर बन रहे पक्के घाट निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि राप्ती रोहिन नदी में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत किया जाए जिससे उसका स्थायी समाधान हो सके। उन्होंने खेलो इंडिया के तहत ग्राम पंचायतों के खेल के मैदान चिन्हित करने का निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर खेल के मैदान में ओपन जिम तथा अन्य खेल की सुविधाएं स्थापित करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ठंड के दृष्टिगत रैन बसेरा, कंबल आदि की खरीद की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाए। कोई भी व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोने पाए। उन्होंने नगर निगम एवं शहर की सीमा विस्तार के बारे में भी चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए तथा जो भी कार्य हो पूरी गुणवत्ता के साथ इसमें समझौता न किया जाए। उन्होंने देवरिया गोरखपुर फोरलेन एवं महाराजगंज गोरखपुर फोरलेन के निर्माण की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए तथा गोरखपुर वाराणसी फोरलेन को भी ठीक कराने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिया कि छठ पर्व के दृष्टिगत घाटों की सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएँ पूर्ण कर ली जाएँ तथा शहर में पार्किंग आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण में तेजी लाया जाए तथा गोरखपुर ओवरब्रिज के नीचे सड़क को ठीक कराया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता रखी जाए और सघन जांच अभियान भी समय समय पर चलाया जाए। बैठक में एडीजी दावा शेरपा जे एन सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, जीडीए वीसीए दिनेश कुमार सहित विभिन्न अधिकारीगण उपस्थित रहे। Thank you.
जरूरत।